दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 इंटरनेशनल सीरीज का आज पांचवा मुकाबला खेला गया। इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनका यह निर्णय सही साबित हुआ। दोस्तों, आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 20 ओवर में 188 रन बनाए और वेस्ट इंडीज को 189 रनों का टारगेट दिया। वहीं आज के मुकाबले में भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया, लेकिन पिछले चार मुकाबलों में रोहित शर्मा ने कप्तानी की थी। दोस्तों, वहीं हार्दिक पांड्या ने अपनी शानदार बैटिंग करते हुए मात्र 16 बॉल में 175 के स्ट्राइक रेट से 28 रनों की कप्तानी पारी खेली। दोस्तों, हार्दिक और भी अच्छा खेल सकते थे, लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत खराब, क्योंकि पांड्या ने जेसन होल्डर के ओवर की लास्ट बॉल पर सिंगल रन लिया और स्ट्राइक अपने पास रखने का निर्णय लिया, लेकिन इत्तेफाक से वह बॉल नो बॉल निकली। फिर स्ट्राइक पर पहुंच चुके थे अक्षर पटेल, जेसन होल्डर ने फिर अपने ओवर की लास्ट बॉल कराई और उस पर अक्षर पटेल ने सिंगल रन ले लिया। फिर अगला ओवर डालने आते हैं ओडियन स्मिथ। स्मिथ ने अपनी पहली बॉल कराई और स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल ने ठीक सामने शॉट खेलते हुए वह बॉल स्मिथ के हाथों में पहुंचा दी। इतने में दूसरी तरफ से पांड्या रन लेने के लिए दौड़ पड़े थे और ओडियन स्मिथ ने बॉल सीधे स्टंप में दे मारी, जिससे पांड्या को उस नो बॉल का खामियाजा आउट होकर देना पड़ा। लेकिन सेकंड इनिंग में पांड्या ने सही समय पर सही गेंदबाज को गेंदबाजी देकर अपनी कप्तानी दिखाई, जिससे वेस्टइंडीज मात्र 100 रनों के निजी स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज को 89 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको पांड्या की कप्तानी कैसी लगी और आपका फेवरेट कप्तान हार्दिक पांड्या है या फिर रोहित शर्मा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एरा को।